राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 14 नंबर कान्हा जी की ये चोली। ये वुलन चोली है, ये हमने क्रोशिए से बनाई है। आप इसे सिलाइयों से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने अब आपको ये क्रोशिए से बनाना बताऊंगी, और वो भी काफी ही ईजी तरीके से। इसको आप अपने कान्हा जी के लिए आसानी से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं आपको ये बताऊंगी, और बनाना भी इसको काफी ही ईजी है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम ये 14 नंबर कान्हा जी की चोली किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 14 नंबर कान्हा जी की चोली बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हम इस तरह से लूप बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, लूप बना ली है हमने। अब हम चैंस बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से 10 चैन बना ली है। हमें इस तरह से 33 चैन बनानी है, 33। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 33 चैन्स बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, 33 चैन्स बनाने के बाद हमें देखिए फ्रेंड्स, 1 और 2 चैन्स हम और बनाएंगे, और जो हमारी 32वीं चैन है उसके अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब फिर लूप लेंगे, फिर से नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, लेके आएंगे, फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह से आगे करनी है, लूप लेनी है, नेक्स्ट चैन के अंदर जाना है, लेके आना है, 3 से 2, 2 से 1। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से अब हमें ये रो कंप्लीट करनी है, 3 से 2, 2 से 1। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये सारी रो इसी तरह से आगे कंप्लीट करनी है। लूप लेंगे, चैन के अंदर जाएंगे, लेके आएंगे, 3 से 2, 2 से 1। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। हमें सभी चैन्स के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करना है। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर दी। इसमें हमारे पास 34 डबल क्रोशियाए हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट सेकेंड रो किस तरह से बनाएंगे। 1, 2, 3, 3 चैन्स बनाएंगे, लूप लेंगे, इसमें ना बनाते हुए नेक्स्ट चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, इसी के अंदर दोबारा से करेंगे 2 बार, फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे एक बार, फिर इसी चैन के अंदर दोबारा से डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार। तो हमें अब ये सेकंड रो के अंदर हर चैन के अंदर 2 2 डबल क्रोशिया करने हैं, और जो हमारी फर्स्ट चैन है और जो हमारी लास्ट चैन है इसके अंदर एक एक डबल क्रोशिया करेंगे, और जो हमारी फर्स्ट और लास्ट चैन है इसमें एक एक बाकी सभी चैन में 2 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब सभी में 2 2 डबल क्रोशिया किए हैं, और जो फर्स्ट चैन है इसमें एक किया है। तो इसी तरह से अब हम ये सेकंड रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चैन्स के अंदर हमने 2 2 डबल क्रोशिया कर दिए हैं। अब हम ये जो हमारी लास्ट चैन्स होंगी इसके अंदर भी, अब ये हमारी सेकंड लास्ट चैन है इसके अंदर भी हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, और जो हमारी लास्ट 3 की चैन के ऊपर हमारा ये बनेगा इसमें हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट रो में 34 चैन्स थी, लेकिन हमने 32 चैन्स के ऊपर डबल किए हैं, तो हमारे 64 डबल क्रोशिया हो गए। एक फर्स्ट में हमने एक बनाया है, एक हमने लास्ट में एक बनाया है, तो इस तरह से हमारे ये 66 डबल क्रोशिया हो गए सेकंड रो में। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो के लिए हम 1, 2 और 3 चैन्स बनाते हुए लूप लेंगे, इसमें ना बनाते हुए नेक्स्ट चैन के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फिर लूप लेंगे, फिर से करेंगे इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, तो 3 हो गए, फिर लूप लेंगे, फिर चौथी चैन के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे 4, और फिर पांचवी चैन के अंदर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिफ्थ चैन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे तो 5, 1, 2, 3, 4 और 5। छठी चैन के अंदर देखिए फ्रेंड्स, हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं, 1, और इसी जगह पर दोबारा से करेंगे 2। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 कर दिए। अब हमने 5 की बार डबल किया है, अब हम यहाँ पे 10 के बाद डबल करेंगे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमने सेकंड रो में बहुत इंक्रीज कर दी हैं एक साथ ही, लेकिन अब हमें थोड़े थोड़े इंक्रीज करने हैं, तो अब हम 10 डबल क्रोशिए एक एक बनाएंगे, और 11वें डबल क्रोशिए के अंदर हम 2 बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 हो गए, फिर से लूप लेंगे, फिर से करेंगे 3, फिर से करेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। 11वीं चैन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इसमें, फिर से दोबारा से बनाएंगे एक इसमें, तो 11वीं चैन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया।
तो थर्ड रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, 10 हमने डबल क्रोशे बनाने हैं और 11वीं चैन के अंदर हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये रो कंप्लीट कर दिया, 10 के बाद मैंने डबल किया है तो 11वीं चैन के अंदर हमने इसको डबल किया है। तो इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशिए इसमें इंक्रीज हुए हैं। हमारे पास 66 डबल क्रोशिए थे, अब हमारे पास 72 डबल क्रोशिए हो गए हैं थर्ड रो के अंदर। अब फोर्थ रो में हमें क्या करना है, 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे, लूप लेंगे और नेक्स्ट चैन के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, हमें 5 बार एक एक बार डबल क्रोशिया करना है जैसे हमने थर्ड रो में किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5, 5 बार हमने कर लिया। अब छठी चैन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार और इसी के अंदर दोबारा से करेंगे 2 बार। करने के बाद अब हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो देखिए 11 हमने एक एक किए हैं। 12वीं चैन के अंदर अब हमें 2 डबल क्रोशे करने, थर्ड रो में हमने 10 बनाए थे, 11वीं के अंदर 2 किए थे, लेकिन अब हम फोर्थ रो में 11 बार एक एक बनाएंगे, 12वीं चैन के अंदर 2-2 करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपको ये फोर्थ रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फोर्थ रो कंप्लीट कर दी है, इसके अंदर हमारे पास 6 इंक्रीज हुए हैं। थर्ड में हमारे पास 72 डबल क्रोशिए थे, अब फोर्थ रो में हमारे पास 78 डबल क्रोशिए हो गए हैं। तो अब हमने देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने 11 डबल क्रोशिए एक एक बार की है और 12वीं चैन के अंदर हमें डबल किया है। तो अब हम इसी तरह से आगे फिफ्थ रो बनाएंगे। फिफ्थ रो बनाने के लिए 1 2 और 3, 3 चैन बनाएंगे, लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन के अंदर देखिए फ्रेंड्स हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हर चैन के अंदर हमें इस तरह से देखिए फ्रेंड्स 10 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। तो हमने 10 डबल क्रोशिए बना दिए। 11वें डबल क्रोशिए के अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 2 बार हमने कर दिया। अब हमें 18 बार एक एक बनाना है और 19वीं चैन के अंदर हमें डबल करना है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको ये फिफ्थ रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमने ये फिफ्थ रो कंप्लीट कर ली है। फिफ्थ रो में हमने 4 इंक्रीज किए हैं, तो हमारे पास फोर्थ रो में 78 थे और फिफ्थ रो में हमारे पास 82 डबल क्रोशिए हो गए हैं। अब हम इस तरह से सिक्स रो बनाएंगे। सिक्स रो बनाने के लिए 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे, लूप लेंगे, यहाँ पर एक नेक्स्ट चैन के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें आगे डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें देखिए फ्रेंड्स 11 बार एक एक डबल क्रोशिया करना है, 12वीं चैन के अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करने हैं। तो हम 11 बार एक एक डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हो गए, 9 10 और ये 11। तो 11 बार हमने एक एक किया, 12वीं चैन के अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिए करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमें 19 चैन बनानी है एक एक बार और 20वीं चैन के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। तो हम 19 चैन एक एक बार बनाएंगे और 20वीं चैन के अंदर डबल करेंगे, फिर दोबारा से 19 चैन के अंदर एक एक करेंगे और 20वीं चैन के अंदर 2 बार करेंगे। तो इस तरह से हम 6 रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 6 रो भी हमारे पास कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर भी हमने 4 डबल क्रोशे इंक्रीज किए हैं। अब इसी तरह से हम 7th रो बनाएंगे। 7th रो में भी हमें 4 डबल क्रोशे ही इंक्रीज करने हैं। तो पहले हमने 19 के बाद डबल किया था, अब हम 20 के बाद डबल करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8
टेन, इलेवन और ये 12। तो हमने 12 डबल क्वेश्चन के बाद अब हमने डबल करना है यहाँ पर दो बार। अब हमें क्या करना है, 12 के बाद हमने दो बार किया है, अब हम 20 बार एक एक करेंगे और 21वीं चैन के अंदर हम दो बार करेंगे। तो हमें चार डबल क्रोशे इंक्रीज करने हैं सेवन थ्रो के अंदर भी। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको सेवन थ्रो कंप्लीट करके फिर दिखा रही हूँ। हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी इस रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 90 डबल क्रोशे आए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम आमोल निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे मैं आपको वो बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, एक दो और तीन, तीन चांस लेंगे हम, लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, 14 डबल क्रोशिए हमें बनाने हैं इस तरह से सिंगल सिंगल। तो देखिए देख, तीन बना दिए, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह और ये 14। तो देखिए बस 14 हमने ये डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब हमें देखिए बस 14 बनाने के बाद हमें 17 डबल क्रोशे स्किप करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 स्किप करेंगे। 18 के अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 17 स्किप किए, 18 के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। लेकिन हमें डबल क्रोशिया करने से पहले बीच में हम एक चैन लेंगे जिससे कि आर्म होल सही सेट आ जाए। टाइट नाओ कान्हा जी को चैन लेंगे और 18 के अंदर हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमने आगे जो हमारा ये फ्रंट का था इसमें हमने 14 डबल क्रोशिया लिए थे। अब बैक के अंदर 14 का डबल हमारे पास 28 डबल क्रोशिया आएंगे। तो अब हम 28 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये देखिए चार हमने किए, 28 डबल क्रोशिया हमने बना दी हैं। अब इसके बाद जैसे हमने आर्म होल का निकाल जो यहाँ पे हमने कट किया था तो इसमें एक चैन ली थी, एक चैन हम इसमें दोबारा से लेंगे। फिर लूप लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18वीं चैन के अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो हम 14 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको ये रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इस तरह से अब हमारा निकल गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, 28 डबल क्रोशिया पीछे और 28 आगे, तो 28 और 28 56 हो गए। एक चैन हमने यहाँ लिया, एक चैन यहाँ लिया, तो हमारे पास 58 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें इस नेक्स्ट रो के अंदर हमें 58 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, 58 डबल क्रोशिया हमें इस रो के अंदर करने हैं। हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है, बस चैन लेनी है, लूप लेंगे और हर चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया हम कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास 58 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें थ्री रो कंप्लीट करनी है जिसके अंदर 58 डबल क्रोशिया हमारे पास होंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको अब ये इसके नीचे की जितनी भी लाइंस हैं कंप्लीट करके 58 डबल क्रोशिया ही आएंगे। तो मैं आपको 58 डबल क्रोशिया थ्री रो में कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 रो हमारे पास आ गई हैं। अब जो हमारी 9th, 10th, 11th और 12th रो है इसके अंदर हमारे पास 58 डबल क्रोशिया आएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपको ये चारों रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। अब हमने ये चारों की चारों रो कंप्लीट कर दी हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें इस तरह से ये जो लास्ट, अब ज्वाइन किस तरह से करना है, यहाँ से जो लास्ट थ्री की चैन है इसके अंदर जाना है, क्रोशिए को लेके आना है। ये देखिए फ्रेंड्स, दो हैं, दो से हम एक कर देंगे। इसके बाद एक हम स्लिप स्टिच लेंगे। अगर हमें इसी कलर से आगे बनाना है तो हम इस कलर को आगे कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो यहाँ पर हम एक चैन लेते हुए धागे को कट कर देंगे।
देखिए इस तरह से धागे को हमें कट कर देना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स अब हमारी ये चोली जॉइंट हो गई है। तो ये हमारे 14 नंबर कान्हा जी की चोली जॉइंट हो गई है। अब मैं आपको चोली का बॉर्डर करना बताती हूँ। हम चोली का बॉर्डर रेड कलर से करेंगे। देखिए फ्रेंड्स आइए फ्रेंड्स मैं अब आपको बताती हूँ किस तरह से ये बॉर्डर करेंगे। रेड कलर से लूप बना ली है। अब हम बॉर्डर किस तरह से करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरफ से तो लास्ट वाली चैन के अंदर जाएंगे, लेके आएंगे और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3 चैन्स हैं। इस 3 चैन्स को इसके अंदर रखेंगे और ज्वाइन कर देंगे। अब हमें लूप लेनी है, इसके अंदर जाना है, लेके आना है 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर लूप लेंगे, फिर 1 हाफ डबल क्रोशिया, तो 2 हो गए। फिर नेक्स्ट रो के अंदर भी हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं, 1 और ये 2। फिर नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, फिर 1 और ये 2। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स हमें ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करनी है। ये फ्रेंड्स मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये रो कंप्लीट कर दी है। अब हमने जो यहाँ पे इस तरह से घुमाव देना है तो इसके लिए हमें 1 चैन लेनी है और 2 हाफ डबल क्रोशिया इसमें दोबारा से करेंगे हम। यहाँ पे ही हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया किए हैं, इसी जगह पर 1 चैन लेते हुए 2 हाफ डबल क्रोशिया हम और ले लेंगे। फिर लूप लेंगे, 1 और 2 चैन छोड़ेंगे, तीसरी चैन के अंदर, चैन के अंदर ना बनाते हुए डबल क्रोशिया की स्पेस के अंदर बनाएंगे। लूप लेंगे 1 और 2, फिर इस जगह पर दोबारा से 1 और ये 2। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये बन रही है। इसी तरह से हम आगे बनाएंगे, 1 और 2 छोड़ना है और 2 के स्पेस के अंदर इस तरह से ये चोली का बॉर्डर करना है। आइए फ्रेंड्स मैं आपको चोली का बॉर्डर करके फिर दिखा। मैंने अब जिस तरह से आपको बताया था सेम उसी तरह से मैंने ये चोली का बॉर्डर कर दिया और इस तरह से हमारी ये 14 नंबर कान्हा जी की चोली बनकर रेडी है। देखिए फ्रेंड्स आप आगे से भी देख सकती हैं और पीछे से भी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब हमारी ये 14 नंबर कान्हा जी की चोली बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।